गाइस संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। आज एकदम नॉस्टैल्जिक रेसिपी बनाने वाला हूँ, जो ट्रेन में जब भी आपने सफ़र किया होगा तब ये रेसिपी खाई होगी। रेलवे कटलेट्स बना रहा हूँ। वो जो रेलवे कटलेट्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ होती हैं आलू के, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी और डिलिशियस लगते हैं खाने में। स्पेशली वो ब्रेड के ऊपर बटर लगा के कटलेट बीच में डाल दो और सैंडविच बना के केचप के साथ खाओ। ये रेलवे कटलेट्स याद दिला देते हैं वो ट्रेन के सफ़र की। और वही सेम वाले रेलवे कटलेट घर पे कैसे बनाने, एकदम आसान तरीके से मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बहुत सिंपल रेसिपी है, फटाफट बन जाती है। रेलवे कटलेट बनते कैसे देख लेते हैं। एक पैन को सेट करके फ्लेम को एकदम हाई पर रखना है। 2 टेबलस्पून तेल ऐड कर दीजिए। तेल एकदम गर्म हो जाए तब इसमें 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून कटा हुआ अदरक, 2 से 3 चॉप की हरी मिर्ची और एक चुटकी भर हींग डालकर बस हल्का सा भून लीजिए। फिर उसके बाद एक चॉप की हुई गाजर, एक मीडियम साइज का चॉप किया हुआ बीटरूट, 1/3 कप चॉप की हुई फ्रेंच बीन्स और 1/3 कप हरे मटर डालकर आपको बस 1 से 2 मिनट के लिए एकदम हाई फ्लेम पर ये सब्जियों को टॉस करना है। सब्जियों को एकदम हाई फ्लेम पर कुक कर लेना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। 1-2 मिनट के बाद इसके अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर और 1 चुटकी भर नमक डालकर बस फिर से 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छे से स्टर करते हुए पका लीजिए। सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ। 1 से 2 मिनट के बाद इन सब्जियों को एक बोल के अंदर आपको ट्रांसफ़र कर लेना है। ट्रांसफ़र करने के बाद एक चम्मच यूज़ करके इन्हें थोड़ा सा फैला लीजिए कि ये जो सब्जियाँ हैं वो फटाफट ठंडी हो जाएँ और एकदम से गल नहीं जाएँ और इनका क्रंच जो है थोड़ा सा वो मेंटेन रहे। जब तक ये सब्जियाँ ठंडी हो रही हैं तब तक आलू को मैश कर लेते हैं। तो एक बड़ी सी प्लेट लेकर यहाँ पर मैं 4-5 मीडियम साइज़ के आलू ले रहा हूँ जो मैंने उबाल लिए हैं। आलूओं को आपको अच्छे से क्रश कर लेना है, अच्छे से मैश कर लेना है। चाहिए तो एक पोटैटो मैशर यूज़ कर लीजिए और इन आलूओं को अच्छे से मैश कर लीजिए। आलू में वो गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने आलूओं को मैश कर लिया है और आपकी सब्जियाँ जो हैं वो ठंडी हो जाएँ, सब्जियों में बाइंडिंग के लिए 1 टेबलस्पून यहाँ पर कॉर्नफ्लोर अच्छे से छिड़क रहा हूँ और साथ ही में 3 टेबलस्पून यहाँ पर जो ब्राउन वाले हमारे बेसिक वाले ब्रेड क्रम्स हो रहे हैं वो ऐड कर रहा हूँ। वो पहली सब्जियों पर डाल दिए। उसके बाद जो हमने मैश किए आलू थे वो आपको ऐड कर देने। आलू ऐड करने के बाद टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। 2 टीस्पून आमचूर का पाउडर या नींबू का रस डाल सकते हैं और खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड करना है। अब इन सारी चीज़ों को आपको मिक्स करना है। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ। आपको ऐसे मिक्स करना है, आटे के जैसे गूंदना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से मिक्स करोगे तो आपके कटलेट का मिक्सचर है वो बहुत अच्छा बनेगा। मिक्स करते हुए कभी भी आपको ऐसे लगता है कि इसमें बाइंडिंग कम है तो थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स और डाल सकते हो, हल्का सा कॉर्नफ्लावर भी और डालना चाहते हो डाल सकते हो। ब्रेड क्रम्स थोड़े डालने के बाद इसे और मिक्स कर लीजिए। मैंने टोटल यहाँ पर आज 5 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स यूज़ किए। एक बार आपने अच्छे से मिक्स कर लिया है ये कटलेट के मिक्सचर को, इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा मिक्सचर लीजिए, एक मुट्ठी में ऐसे इसको दबा कर देखिए। ये इस तरीके से जुड़ना चाहिए और हाथों को ज़्यादा चिपकना नहीं चाहिए। तो परफेक्ट मिक्सचर बन गया है। अब साफ़ हाथों से हमें कटलेट को शेप करना है तो थोड़ा सा मिक्सचर ले लीजिए। मिक्सचर लेने के बाद एक राउंडल इसका एक गोल आकार इसका तैयार करना है। राउंड एक बार आपने इस तरीके से बना लिया है इसको, फिर आपको करना क्या है, इसको एक ड्रॉपलेट का शेप देना है, एक वो ट्राइंगल वाला आकार देना है। इस तरीके से इसको आप देख सकते हो मैंने कैसे शेप कर लिया, एक बूंद जैसा लग रहा है, ड्रॉप जैसा लग रहा है। एक बार आपने ये शेप बना लिया है, इस शेप को हथेली पर रखिए। हथेली पर रखने का जैसे ज़ोर से ऊपर से आपको एक ही स्ट्रोक में दबा दीजिए, आप देखेंगे एकदम परफेक्ट कटलेट का शेप आ जाएगा। चाहिए तो थोड़ा साइड से इसको रीशेप कर सकते हैं, बट इस तरीके का रेलवे कटलेट दिखता है तो ऐसे ही आपको शेप बनाना है। इसी तरीके से सारे कटलेट को आपको शेप कर लेना है। तो कटलेट हमारे एकदम परफेक्ट हमने शेप कर लिए हैं। ये जो शेप है ये बहुत पिक्यूलर शेप है, ट्रेन में जब भी सफ़र करो तो यही शेप के कटलेट वो सर्व करते हैं। बाकी अगर घर पे आप ये शेप नहीं बनाना चाहते तो आप गोल टिक्कियाँ भी इसकी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या हार्ट शेप के मोल्ड में या राउंड शेप के मोल्ड में, जैसे आप शेप करना चाहते हो कर सकते हो। आज रेलवे कटलेट बना रहे हैं तो वही शेप हो तो मज़ा और आएगा खाने में और परफेक्ट बनते हैं एकदम रेलवे वाले कटलेट। अभी इन कटलेट को आपने एक बार बना लिया है, इन्हें हमें कोट करना है ब्रेड क्रम से। तो एक स्लरी पहले बनानी है और स्लरी बना लेते हैं। तो स्लरी बनाने के लिए एक बोल में 4 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, चुटकी भर नमक और धीरे धीरे अभी इसमें पानी डालकर आपको मिक्स करना है और एक सेमी थिन स्लरी आपको बनानी है। जो आपकी स्लरी है वो बहुत गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, टूवर्ड्स द थिन साइड होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी किस तरीके की है, कोटिंग कंसिस्टेंसी है। ऐसी कंसिस्टेंसी बनाइए तो बाहर का जो लेयर है वो बहुत मोटा नहीं बनेगा।
स्लरी एक बार तैयार हो गई तो एक बड़ी सी प्लेट या ट्रे में आपको ब्रेड क्रम्स ले लेने हैं, एकदम बेसिक वाले ब्रेड क्रम्स में भी हल्का सा नमक डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आपको करना क्या है, एक फोक ले लेना है, फोक लेकर एक कटलेट फोक पर रखिए, कटलेट को स्लरी के अंदर इस तरीके से डुबाइए। अभी कटलेट को आपको एकदम केयरफुली पलटा लेना है, पलटने के बाद फोक से उठा लीजिए, एक्सेस स्लरी को आपको ड्रिप होने देना है, निकलने देना है, उसके बाद इस तरीके से फटाफट ब्रेड क्रम्स में ट्रांसफर कर देना है। ब्रेड क्रम्स में ट्रांसफर करने के बाद ऊपर से अच्छे से ब्रेड क्रम्स आपको डालने हैं, साइड्स पे भी लगा देने हैं। ध्यान देना है बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं किया है, जितने ब्रेड क्रम्स अपने आप चिटक जाएं कटलेट को उतने ही ब्रेड क्रम्स को आपको कटलेट पर लगाना है। इससे होता क्या है, वो एकदम कड़क सी दीवार नहीं बनती आपके कटलेट के ऊपर, बस एकदम बेसिक सी क्रिस्पी वाली कोटिंग आती है। आपने देखा हमने ब्रेड क्रम्स को कोट कर लिया है और वो फोक वाले मेथड से हाथ भी गंदे नहीं हुए हैं, इसी तरीके से सारे कटलेट्स आपको कोट कर लेने हैं। एक बार आपने कटलेट्स को इस तरीके से कोट कर लिया है, आप इन्हें अभी सीधे फ्राई कर सकते हैं, कोई फ्रिज व्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। फ्राई कैसे करना है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन अगर आपने एक बार कटलेट्स बना लिए, अभी ये क्वांटिटी जो मैंने आज यूज़ की है इसमें 18 कटलेट बन जाते हैं, तो आपको समझो 6 ही फ्राई करने हैं और बाकी के 12 नहीं फ्राई करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, एक एयर टाइट कंटेनर ले लो, उसमें कटलेट को डाल दो और फ्रिज के अंदर रख दो, एक दिन तक आप फ्रिज के अंदर रख के इनको पका सकते हो। अगर आपको समझो हफ्ता दो हफ्ते रखने हैं तो आपको करना कि एयर टाइट कंटेनर को फ्रीज़र में रख देना है और फिर फ्रीज़र से निकाल कर आपको इनको डायरेक्ट फ्राई करना है, थॉ नहीं करना है, बाहर रखना नहीं है, नहीं तो ये गल जाते हैं। फ्रीज़र से निकाला, गरम गरम तेल में डाला, वो अपने आप से एकदम परफेक्टली फ्राई हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया इनको स्टोर कैसे करना है। अब फ्राई कैसे करते हैं इनको देख लेते हैं, दो तरीके हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। आज मैं डीप फ्राई करने वाला हूँ। एक बर्तन में तेल ले लीजिए, तेल को आपको 170 डिग्री सेल्सियस यानी कि मॉडरेटली हॉट ऑयल होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पर आपकी आँच होनी चाहिए। अभी धीरे धीरे कटलेट्स को आपको इसमें डालना है, ध्यान देना है बहुत सारे कटलेट्स ही डाल देने, 4-5 कटलेट या 6 कटलेट मैक्स एक टाइम पे फ्राई कीजिए। अगर आपका तेल बहुत ज़्यादा गर्म है तो बाहर से रंग पकड़ लेगा कटलेट और अंदर से एकदम गर्म नहीं होगा, और एकदम ठंडा अगर आपका तेल होगा तो कटलेट बहुत जल्दी तेल पी जाता है और वो ब्रेड क्रम्स भी निकलना शुरू हो जाते हैं तेल के अंदर और तेल गंदा हो जाता है। तो परफेक्ट टेम्परेचर पर रखिए, मॉडरेटली हॉट ऑयल में मीडियम आंच पर क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन होने तक आपको कटलेट्स को फ्राई करना है। आप देख सकते हो मैंने एकदम धीरे धीरे से कटलेट्स को अच्छे से फ्राई कर लिया है, परफेक्ट रंग आ गया, एकदम क्रिस्प हो गए हैं। इन्हें निकाल कर एक छन्नी में ट्रांसफ़र कर दीजिए और एक्सेस ऑयल को निकलने दीजिए और फिर इसको सर्व कर लेते हैं वाइफल स्टाइल। आज तो ये ब्रेड के ऊपर बटर लगा के कटलेट वाला सैंडविच बना के केचप के साथ खाने में मज़ा आ गया, ऐसे लग रहा था ट्रेन में ही बैठे हुए हैं, एकदम परफेक्ट वही वाली याद आ गई है। अगर आपको वो ट्रेन वाले सफ़र की याद आ रही है और आपको ये रेलवे कटलेट्स याद आ रहे हैं तो ये वाली रेसिपी फटाफट अपने घर पे बताओ, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट, और आपको एकदम वही वाली ट्रेन की सफ़र की याद आ जाएगी। और जब भी ट्राई करोगे ये रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताओ आपको ये रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट दिस लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू IFL इफ यू हैवंट येट, हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल रेलवे कटलेट रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।